अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मामले में मध्यस्थता पर बोले गए झूठ की पोल खुल गई, क्योंकि पहले भारत और बाद में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी उनके बयान से पल्ला झाड़ा। ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया जब अमेरिका में बेइज्जती झेल रहे इमरान खान ने उनके आगे कश्मीर मुद्दे का रोना रोया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान से बात करते हुए मीडिया के सामने कश्मीर मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ा ऐसा सफेद झूठ बोला कि भारत से लेकर अमेरिका तक उनकी खूब खिंचाई हुई। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago and we talked about this subject and he actually said would you like to be a mediator or arbitrator? I said where? He said Kashmir. Because this has been going on for many many years. I was surprised at how long it's been going on. Long 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. ट्रंप का ये बयान आते ही भारत ने बिना देर किए मुंह तोड़ जवाब दिया और विदेश मंत्रालय ने देर रात ट्वीट करते हुए ट्रंप के दावे को नकार दिया। भारत के सख्त तेवर के बाद अमेरिका का विदेश मंत्रालय भी हरकत में आया और पूरे मामले में सफाई देने लगा, जबकि अमेरिकी सांसद ब्रैड शर्मन ने तो ट्रंप के बयान को बचकाना बताते हुए भारत से माफी तक मांग ली। भारत हमेशा से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से सीधी बातचीत के पक्ष में ही रहा है और इस मामले में किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त तो नहीं करता। हालांकि इस मुद्दे को सियासी रंग देते हुए कांग्रेस ने इसके बहाने पीएम को घेरने की कोशिश की, जिस पर केंद्र ने भी पलटवार किया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बयान देकर ट्रंप की पूरी दुनिया के सामने किरकिरी कर दी। आई वुड लाइक टू कैटेगोरिकली अश्योर द हाउस that no such request has been made by the Prime Minister to the US. लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर केवल एस जयशंकर के बयान से खुश नजर नहीं आई और संसद के अंदर मौजूद कांग्रेस के सांसद पूरे मामले में प्रधानमंत्री से जवाब मांगने लगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस सदन में आके जवाब देना चाहिए कि क्या उन दोनों के बीच में ये बातचीत हुई थी कि नहीं हुई थी। जबकि राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री की ट्रंप के साथ हुई बातचीत से जुड़ी एक एक जानकारी मांग ली। राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री से जवाब की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी हुई और पूरे विपक्ष ने एक साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन से बाहर आने के बाद कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, लेफ्ट और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक साथ मीडिया से बात की और डोनाल्ड ट्रंप के झूठ पर प्रधानमंत्री के सदन में बयान की मांग दोहराई। हालांकि कांग्रेस के विरोध के बीच उसी के सांसद शशि थरूर ने खुलकर प्रधानमंत्री का साथ दिया और ये जाहिर कर दिया कि ट्रंप के झूठ पर सियासत करना गलत है। थरूर ने इस मामले में ट्रंप की खिल्ली भी उड़ाई और ये भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री से जुड़े ट्रंप के दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में वो ठीक तरह समझा नहीं, किसी ने उसको ब्रीफिंग नहीं दिया। ये नामुमकिन है कि मोदी ऐसे पूछ सकता है किसी और को। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने भी प्रधानमंत्री पर विश्वास जताया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री कोई ऐसी बात करेंगे, इसमें किसी की और मीडिएशन करने की जरूरत नहीं है। जबकि पीडीपी ने ट्रंप को कश्मीर मुद्दे से दूर रहने की हिदायत दी। देखिए, ट्रंप है या कोई और बम्प है, हम उनके साथ क्या करेंगे। हमारे मुल्क के जो इम्पोर्टेंट आदमी है जो हमारे सरकार में और पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। बीजेपी ने भी ट्रंप के झूठ पर विपक्ष को सियासत नहीं करने की नसीहत दी। तो इस बारे में स्पष्ट तरीके से विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर बहुत स्पष्ट तरीके से भारत की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसद सत्यनारायण जटिया की पोती से संसद में मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया की पोती से संसद में मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। प्रधानमंत्री जी के मन में जो बाल आकर्षण रहता है, स्वाभाविक रूप से रहता है, शिशु के प्रति जो प्यार रहता है, वो प्रकट होकर के आया। और यूपी के हरदोई में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए 11वीं क्लास की छात्रा को एक दिन के लिए पुलिस अधिकारी बनाया गया। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और जो डर था हमारे मन में भी था पुलिस के लिए, वो दूर हो गया। राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनिल जैन ने बेनामी संपत्ति बिल अब तक पास नहीं होने के लिए पिछली कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि 1988 में राजीव गांधी सरकार ने बेनामी संपत्ति कानून बनाने का वादा किया था, लेकिन 2014 तक ये पास नहीं हो पाया। 1988 में वो कानून लाए और कानून लाने के बाद मान्यवर 1988 से लाने के बावजूद 2014 तक इस कानून का नोटिफिकेशन नहीं होने दिया। दिल्ली पुलिस ने 2 हफ्ते पहले द्वारका में हुई एक महिला की हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिर हमने जो लोकल इंटेलिजेंस के थ्रू इन लड़कों को आइडेंटिफाई किया।
रूस में टेंटों के बने एक कैंप में आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में कुछ महिलाओं ने एक आदमी को बुरी तरह से पीटा। आरोप है कि महिलाओं के हाथों पिट रहे आदमी ने लिफ्ट देने के बहाने एक महिला से बदसलूकी की, जिसके बाद उस महिला के परिवार के लोगों ने इस आदमी को घेर लिया और उसके कपड़े उतार कर उसे पीटने लगे। काफी देर पीटने के बाद वहां मौजूद 2 महिलाएं हाथ में डंडे लेकर आरोपी को पीटने लगी। इस बीच जमीन पर गिरा आदमी उनसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन नाराज महिलाओं ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे जमकर पीट दिया। कुछ देर बाद मार खा रहा आदमी खड़ा हुआ और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वहां मौजूद एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पीछे गया और एक लात मार कर उसे जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद डंडा लेकर पहुंची महिला उसे फिर पीटने लगी। काफी देर तक पिटाई के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छेड़खानी के आरोपी को लोगों से बचाया और केस दर्ज कर मामले की जांच तेज कर दी। रिपोर्ट और बयान के ऊपर से हमने दोनों काउंटर केस दाखिल किए और तपास चालू है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो शरीर पर भस्म लगाकर शिव की पूजा करते थे। बताया गया कि ये वीडियो सावन के पहले सोमवार का है, जिसमें तेज प्रताप यादव शिव की वेशभूषा में नजर आए। तेज प्रताप यादव ने अपने शरीर पर भस्म लगा रखी थी, जबकि हाथों में उन्होंने रुद्राक्ष की मालाएं पहनी थी। वीडियो में तेज प्रताप यादव एक मंदिर के अंदर जाते दिखे, जहां पहले से पूजा जारी थी। मंदिर के अंदर जाने के बाद उन्होंने दूध से शिवलिंग का अभिषेक किया। इस दौरान पूरे मंदिर में मंत्रों की आवाज गूंजती रही। कुछ देर ऐसे ही पूजा करने के बाद तेज प्रताप यादव मंदिर से बाहर निकल गए, जिस पर जानकारों ने उनके पूजा करने के तरीके को गलत बताया। बीच रुद्राभिषेक में जाके थोड़ी देर खड़े होके दूध की धारा चला के आए, ये नियम के विरुद्ध है। बताया गया कि जिस मंदिर में तेज प्रताप यादव ने पूजा की उसे उन्होंने ही बनवाया था, और हर साल सावन के पहले सोमवार के दिन वो खुद पूजा करने वहाँ जाते हैं।